एशिया कप से पहले सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी का बड़ा बयान, एशिया कप में पाकिस्तान से तीनों बार हारेगा हिंदुस्तान। जी हां दोस्तों, आखिरकार क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2023 का खिताब जीते तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस न कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एशिया कप 2023 का बिगुल बज चुका है और एशिया कप का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों के भीतर एशिया कप 2023 की शुरुआत होने जा रही है, जहां पहले ही मुकाबला पाकिस्तान की टीम खेलेगी। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम नेपाल से भिड़ने जा रही है। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान का अगला मुकाबला भारत के साथ है और ये मुकाबला शनिवार 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी में खेला जाना है। आपको बता दें कि पिछले सीजन एशिया कप में पाकिस्तान की टीम ने भारत को कड़ी टक्कर दी थी और इस बार भी पाकिस्तान की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। दरअसल इसी बीच भारतीय टीम के दो दिग्गजों ने पाकिस्तान टीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। एशिया कप से पहले सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि पाकिस्तान टीम पहले जैसी नहीं रही। हमारे समय में पाकिस्तान टीम बड़े इवेंट में घबराई हुई नजर आती थी। पाकिस्तान की बल्लेबाजी भारत के बल्लेबाजी से थोड़ी कमजोर नजर आती है, मगर पाकिस्तानी गेंदबाज भारतीय गेंदबाजों से बहुत ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। वहीं धोनी ने कहा है कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचते हैं तो दोनों के बीच 3 मुकाबले होते हुए नजर आ सकते हैं। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की टीम के जीत के परसेंटेज थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। जीत के लिए भारतीय बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी। तो दोस्तों, क्या आप भी भारतीय टीम के इन दो दिग्गजों के बयान से सहमत हैं या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।